तो इन हालात में हमें सबक लेने की जरूरत है। क्या क्या बुराइयां होती हैं वो हमसे ज्यादा आप जानते हैं। ताजिर अपनी तिजारत पर गौर करें, क्या उनके अंदर कमजोरियां हैं। जो दूसरे लोग हैं, औरतें हैं, अपने अंदर जो कमियां उस पर गौर करें। माँ बाप हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। नौजवान हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। उलमा हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। कायदीन हैं, अपनी कमियों पर गौर करें। हर शख्स अपनी अपनी कमियों के बारे में खुद सोचे है कि मेरे अंदर क्या कमजोरियां हैं। आपको ज्यादा पता है कि आपके अंदर क्या कमजोरियां हैं। हम खुद अपनी अपनी कमजोरियों को तलाश करके अल्लाह से सच्ची पक्की माफी मांगे, एक थोड़ा सा एक डोज है। अल्लाह ताला संभलने का मौका दे रहे हैं, तो इस मौके से हमें फायदा उठाना चाहिए। अपनी बेबसी का, कमजोरी का इजहार करना चाहिए और हर उस चीज से बचना चाहिए जो अल्लाह की तरफ से अजाब नादिन, अल्लाह के गजब को ला सकती है। ऐसी हर चीज से हमें बचना और परहेज करना चाहिए।